नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के उस पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज का लेक्चर, टुडेज लेक्चर इज रिलेटेड विद द बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर वी विल डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, के स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद वी हैव टू डिस्कस टू डेफिनेशन, वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, और हमारा टॉपिक किससे रिलेट करता है, हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन, आज हम वो स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिक्स कहते किसे हैं? तो स्टैटिस्टिक्स इज द ग्रुप ऑफ मेथड दैट आर यूज्ड टू कलेक्ट। तो देखिएगा, वी मस्ट टेक स्टेप बाय स्टेप, हम हर चीज को इंप्लीमेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप के साथ। तो नंबर वन स्टेप, स्टैट के अंदर कलेक्ट करना। क्वेश्चन आ गया, सर कलेक्ट क्या करें? तो बेटा, कलेक्शन से मराद डेटा की कलेक्शन। ये कहां, क्यों करें, कब करें, कैसे करें, सुनिएगा। जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की, इंसान के पैदा होने से मरने तक स्टैटिस्टिक्स का कहीं ना कहीं रोल है। कैसे? जब इंसान पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपको किसी के बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड चाहिए तो आपको स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, उनके पास तमाम रिकॉर्ड अवेलेबल है। हो गया। उसके बाद जब आप बड़े होते हैं, 18 ईयर के अंदर आते हैं, तो आपका आईडी कार्ड नादरा बनाता है, उसका सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के अंदर। और उसके बाद जब आप जिंदगी छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो आपके एक डेथ सर्टिफिकेट बनता है आपको दफनाने से पहले, तो वो रिकॉर्ड भी स्टैटिस्टिकल अवेलेबल होता है। स्टैटिस्टिकल का एक डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर दीज ऑल टाइप ऑफ रिकॉर्ड आर अवेलेबल। उसके अलावा अगर कोई फ्लड आता है तो आपको पहले बता दिया जाता है कि जनाब हमें खतरा है कि यहाँ से फ्लड आ सकता है और इस लेवल पे फ्लड आएगा और इससे इतना नुकसान हो सकता है, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है? वो भी स्टैटिस्टिकल का ही डिपार्टमेंट है। स्टैटिस्टिकल के लोग बैठे होते हैं जो कि एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट आपको ये बता देता है। आपको ये बता दिया जाता है कि वेदर फोरकास्टिंग पहले दे दी जाती है कि आज हमें लगता है बारिश होगी, आज हमें लगता है मौसम इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ठीक रहेगा, ये सब कुछ। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये भी एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है जिस जो के फोरकास्टिंग कर रहा होता है। तो इट मींस कि इंसान की जिंदगी से लेकर मरने तक स्टैटिस्टिक की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपको नजर आती है, चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका आईडी कार्ड हो, चाहे वो आपका वे फॉर्म हो, चाहे वो आपका वेदर फोरकास्टिंग हो, चाहे वो आपका कोई भी डाटा एनालिसिस हो, चाहे वो वेरी इंपॉर्टेंट आपकी मर्दमशुमारी सेंसियस हो, वो सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब तक जितनी मर्दमशुमारी हुई, जितना एनालिसिस हुआ, वो सारा डाटा अवेलेबल है स्टैटिस्टिक के बाद। कितने लोग डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं, बीएससी के कितने लोग है पाकिस्तान में, साइकोलॉजी के कितने लोग है पाकिस्तान में, दीज रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। तो ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। आपकी एवरेज लाइफ क्या है पाकिस्तान की, आपका डेथ रेट क्या है, आपका बर्थ रेट क्या है, तो ये सारा रिकॉर्ड क्या है, ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है कहां, स्टैटिस्टिकल के डिपार्टमेंट के अंदर। इफ यू फील टू गेट डाटा तो आप वहां से डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, वो डाटा नेट पे भी अवेलेबल होगा। तो डाटा स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है आपकी जिंदगी के अंदर। तो बात करते हैं अब डेफिनेशन पे। तो स्टैटिस्टिक वो मेथड जिसे हम इस्तेमाल करते हैं कलेक्शन के लिए। किस चीज की कलेक्शन के लिए? बेटा, डाटा की कलेक्शन के लिए। डाटा की कलेक्शन क्यों? क्योंकि डाटा की कलेक्शन इसलिए जरूरी है, वी वांट टू मेक डिसीजंस। हमें डाटा इसलिए चाहिए क्यों? क्योंकि वी वांट टू मेक डिसीजंस। हम जिंदगी के अंदर डिसीजन लेना चाहते हैं। मेरे चार बहन भाई, उनमें से तीन डॉक्टर बन गए, दो इंजीनियर बन गए, ऑन दैट बेसिस मैं ये चाहता हूं कि मैं ना डॉक्टर बनूं, ना इंजीनियर बनूं, मैं पायलट बनूं। तो मुझे, मेरे पास डाटा अवेलेबल है, मेरे भाई के मैट्रिक में कितने नंबर आए, कितने कितने नंबर पर उन्होंने लिए, और मैंने उनको बीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कलेक्ट डाटा, तो मुझे पहले डाटा को कलेक्ट करना है। मर्दमशुमारी वाले आपके घर आते हैं, घर आके दरवाजा खटकाते हैं, दरवाजा खटका के पूछते हैं जनाब जी कितने लोग हैं, या आप बताते हैं इतने लोग हैं, कितने मेल है कितने फीमेल है, वो आप बताते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा।
उसके अलावा अक्सर एरियल वाले आ जाते हैं, सर्फ एक्सेल वाले आ जाते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, दे वांट टू कलेक्ट डेटा, वो आप लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक का पहला मेथड तो हुआ कलेक्शन, कलेक्शन किसकी, डेटा की। कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन के बाद मुझे ऑर्गेनाइज भी तो करना है। ऑर्गेनाइज क्यों भाई, मेरे पास डेटा तो आ गया, इस घर में इतने लोग हैं, मुझे ये नहीं पता इनकी एजुकेशन लेवल क्या है, मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने अनपढ़ है, मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कितने लोग कितनी इनकम जनरेट करते हैं, तो मुझे डाटे को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मुझे डाटे को तरतीब से लगाना पड़ेगा, मुझे डाटे को सोच समझ के रखना पड़ेगा। तो पहले मैंने डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज कर दिया, अरेंज फॉर्म में कर दिया, इस फैमिली मेंबर के, इस घर के इतने लोग हैं, चार लोग ये है और इनकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इज दैट, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज दैट, तो ये लोग यहाँ यहाँ से पढ़ के निकले हैं, ये इनका स्टैंडर्ड है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो डाटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया। प्रेजेंट कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन आप लोग देते हैं, आप लोग डेली बेस पर प्रेजेंट करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, आपको डाटा दिया जाता है, आपको जाता है ये चैप्टर आपने तैयार करके आना है, इस बेस के ऊपर आपने क्या करना है, आपने इस बेस के ऊपर अपनी स्लाइडें बनानी, तो आप स्लाइडें बना के स्लाइड प्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जब करेंगे हम, जब हम स्टैट की बात करेंगे तो हम किसको यूज करेंगे, हम पाई चार्ट को यूज करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, हम हिस्टोग्राम को यूज करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, हम सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करेंगे, हम डिस्पर्शन को यूज करेंगे, हम इंडेक्स नंबर को यूज करेंगे, हम कोरिलेशन रिग्रेशन को यूज करेंगे, तो ऑन दैट बेसिस हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट क्यों करेंगे, बिकॉज वी नीड टू टेक एनालिसिस, मुझे एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, किस चीज पे करना है, पुराने डेटा पे, जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसके ऊपर मैंने एनालाइज करना है, किस चीज को एनालाइज करना है भाई। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर बैठा हूं तो मुझे लगता है कि मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, तो मैंने मर्दमशुमारी से डेटा कलेक्ट किया, कितने लोग बीएससीएस वाले हैं, कितने लोग साइकोलॉजी वाले हैं, कितने लोग पढ़ के कितने मार्क्स से बाहर आए हैं, ऑन दैट बेसिस आई इंटरप्रेट डेटा टू मेक डिसीजन। तो मैं इंटरप्रेट क्या करूंगा, डेटा को इंटरप्रिटेशन के अंदर लेके आऊंगा डिसीजन मेकिंग के लिए। ये सारा काम करने का मकसद कलेक्ट ऑर्गेनाइज प्रेजेंट एनालाइज, क्यों, क्योंकि आई वॉन्ट टू टेक डिसीजन, मुझे डिसीजन लेना है। हाँ भी बी एस सी एस की तादाद बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, मुझे इनके लिए नए सॉफ्टवेयर हाउस बनाने हैं, क्यों, क्योंकि इनकी तादाद बढ़ती जा रही, कल को फ्यूचर के अंदर ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं किस बेस पे एनालिसिस कर रहा हूँ, मर्दमशुमारी की बेस पर, आपके घर डाटा कलेक्शन की बेस पर, कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइज करके मुझे पता लगा पाकिस्तान के अंदर 100 में से 30% जो लोग हैं वो बीएससीएस कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उसको प्रेजेंट किया पाई चार्ट के अंदर, हिस्टोग्राम के अंदर प्रेजेंट करके दिखाया कि भाई देखें हमारे सबसे ज्यादा लोग बीएससीएस के हैं, तो सबसे कम लोग हमारे पास किसके, साइकोलॉजी के हैं। तो आप पहला डिसीजन, मेन डिसीजन करें, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकालें किसके लिए, BSCS के लिए, क्यों, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही, इसलिए हम वी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। तो गवर्नमेंट हैज टू टेक डिसीजन कि जनाब अब हमें अपॉर्चुनिटी वाकई किसको देनी चाहिए, CS को, किस बेस पर, डाटा कलेक्शन की, ऑर्गेनाइजेशन की, प्रेजेंटेशन की, एनालाइजिंग की, इन सब बेसिस के ऊपर वी हैव टू टेक डिसीजन। तो स्टैट वो चीज जिसके अंदर पहला डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर प्रेजेंट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है। जब ये चार स्टेप खत्म कर लिया जाता है तो मेन स्टेप हमारा है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है, बगैर डिसीजन मेकिंग के हम नहीं चल सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टैट का रोल बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको मैं डेफिनेशन के अंदर नहीं दे सकता विद एग्जाम्पल्स। नंबर टू, अब बात आ गई कलेक्शन की। कलेक्शन क्या होता है जो हमने पहले बात की, कलेक्शन कहते हैं रेफर टू द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डेटा। वही बात, घर के अंदर दरवाजा खड़काया, दरवाजा खड़का के आपसे पूछा जनाब कितने लोग हैं घर के अंदर, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। आपसे पूछा कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये कितनी कितनी क्वालिफिकेशन है, ये आपके फादर क्या करते हैं, ये उनका इनकम क्या है, ये उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किस सेक्टर में, तो वो डेटा कलेक्शन बेटा, सारा डाटा कलेक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज करना या प्रेजेंट करना, मैंने आपको पहले बताया, डाटे को ग्राफिकली, डाटे को टेक्स्ट की फॉर्म में, डाटे को टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने प्रेजेंट कर लिया। उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन के लिए तरीका बता दिया कि यू हैव टू स्टडी द चैप्टर नंबर सेंट्रल टेंडेंसी, यू हैव टू स्टडी द सेंट्रल टेंडेंसी आपने पढ़ लिया, आपने मेजर ऑफ डिस्पर्शन का चैप्टर पढ़ लिया, आपने इंडेक्स नंबर पढ़ लिया, तो वो सारा क्या है, वो सारा बताता है हाउ टू ऑर्गेनाइज डाटा एंड प्रेजेंट डाटा। तो यही डाटा,
जो कलेक्शन किया है मैंने इस डेटे को मैंने कहाँ ले आया हूँ, इस डेटे को मैंने अब ग्राफ की मदद से, क्योंकि मेरे मेरे जो ऊपर हेड बैठे उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, उन्होंने डिसीजन लेना किस फॉर्म में लेंगे, चार टेबल बने होंगे, पाई शीट बनी होगी, उसको देख लीजिए, हाँ भाई बी एस सी एस तो बहुत ज्यादा लोग पढ़ के निकल रहे हैं, तो हमें इनके लिए पहले अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, फिर इस डिपार्टमेंट बी ए के लिए करनी है, फिर हमें इसके लिए करनी है, डीपीटी के लिए करनी है, और हमें फिर साइकोलॉजी। और एनालिसिस किसे कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं डिस्क्राइबिंग द डाटा बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड एंड प्रोसीजर, डाटा को डिस्क्राइब करना बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज, सेंट्रल टेंडेंसी में मैथमेटिक मीन को फार्मूला, ज्योमेट्रिकल मीन को एवरेज निकाल के आपने बताना है, तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन से क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन मैंने आपको यही बताया कि आपने एट द एंड करना क्या है, यू हैव टू टेक डिसीजन किस बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एनालिसिस। तो ऑन दैट फोर फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, इन चार फैक्टर की बेस पर आपने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग लेना है, आपने डिसीजन करना है अपनी जिंदगी का भी, आपके मैट्रिक में इतने नंबर आए, एफएससी में इतने नंबर आए, आपका शौक ये था मेडिकल में जाना लेकिन नहीं जा सके, नंबर कम थे, तो किस बेस पर डिसीजन लिया, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्ट किया तो पता लगा मेरे तो नंबर ही नहीं इतने थे कि मैं मेडिकल में जा सकूं, मेरे तो नंबर ही नहीं इतने थे मैं इंजीनियरिंग में जा सकूं, तो आपने पहले डाटा लिया फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर आपने खुद आपके दिमाग में सो गया नहीं मेरा मेरिट में नाम नहीं आ सकता, तो डिसीजन मेकिंग फिर आपने की, तो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। मेरा ख्याल है कि 15 मिनट की डेफिनेशन आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको बेस पता लग गया कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। आगे देखते हैं, दो तरह की हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं, दो तरह की टाइप्स को स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर, एक तो हमारे पास स्टैटिस्टिक की टाइप होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, हम इनमें से कौन सा इसके अंदर पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक जो बेसिक है रिलेटेड किससे करती है, उसको हम एक दफा स्टडी करके देखेंगे। ओके, सबसे पहली बात कि इससे पहले कि मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊं, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन के अंदर मैं पहले आपको बताऊंगा, अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो कि आप अभी तक स्टडी कर रहे हैं अगर हम उसकी बात करूं तो कैन आंसर द क्वेश्चंस लाइक, वो ये सवालों के जवाब लेने, ये पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आप इन सवालों के जवाब दे देंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू टेक स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड है, अब ये क्वेश्चन तो किया, अब ये क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपकी डेफिनेशन देगी कैसे, डाटा मैं कलेक्ट करूंगा आप लोगों से, उसको ऑर्गेनाइज करूंगा, उसको प्रेजेंट करूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल फोर फैक्टर्स आई विल एबल टू मेक डिसीजंस। तो हमने पहला क्वेश्चन क्या किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू टेक स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है जो स्टैटिस्टिक्स के ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहते हैं, उसके अलावा आपके लिए मोस्ट लाइकेबल टीचर कौन सा है स्टूडेंट की नजर में, उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, तो वो भी डाटा कलेक्ट करके ही डिसीजन किया जाएगा। तो ये एक जनरल क्वेश्चन थे। अब मैं जाता हूँ कि स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन, और एक थी डिस्क्रिप्टिव और दूसरी थी हमारे पास इन्फ्लुएंशियल। तो स्टैटिस्टिक की जो डिस्क्रिप्टिव की डेफिनेशन है वो ये बताती है कि मुझे क्या चाहिए होता है, ये वो ब्रांच है स्टैटिस्टिक की जो के बता रही होती है क्या चीज मेन फीचर को बता रही होती है कलेक्टिंग डाटा के। कलेक्शन जब हम डाटा करते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, तो उसका जो मेन फीचर को जब हम डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं मेन फीचर, जिस तरह आप अरिथमेटिक मीन है, आप वो ज्योमेट्रिकल मीन है, आप जनाब हार्मोनिक मीन है, आप मोड को डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल, तो दिस आर आर पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव। अब दूसरी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आती है कि जनाब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, तो इट इज द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर दैट इज यूज्ड टू ड्रा इन्फ्रेंसिस और इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज और करैक्टरिस्टिक्स बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो बेसिक डाटा कलेक्ट किसने किया, डिस्क्रिप्टिव ने, उसकी बेस पर आपने एनालिसिस किया, तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द ड्रा कंक्लूजन, जब आपने एंड पे कंक्लूजन ड्रा करनी है तो मुझे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक पे आना चाहिए। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम टी टेस्ट पढ़ेंगे, डी टेस्ट पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे, सैंपलिंग पढ़ेंगे, रिग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर ये चैप्टर इंक्लूड नहीं है। तो जब हम इन्फ्रेंशियल पे जाएंगे स्टैटिस्टिक जो के पार्ट टू है, यानी अभी आपकी पार्ट वन है स्टैटिस्टिक, जो आप आईसीएस पार्ट वन में पढ़ते हैं वो डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड ज्यादा है, और जब हम पार्ट टू पे जाते हैं तो वो ज्यादातर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक है। तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स वो है जब हम प्रोसीजर को ड्रा कर देंगे, जब हम ओरिजिनल हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, डाटा नहीं कलेक्ट कर रहे,
अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, एक चार्ट बना हुआ आ रहा है, एक पाई चार्ट आ रहा है हमारे पास, कोई भी चार्ट आ रहा है लोगों का, किसी जगह से मतलब, किसी चीज से मतलब भी। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी वांट टू टेक डिसीजन, तो अब हमने उसकी बेस के ऊपर डिसीजन लेने हैं, उसकी बेस के ऊपर बताना। चार्ट बना के दे दिया, अभी आपने चार्ट बनाने हैं डिस्क्रिप्टिव में, तो जब इन्फ्रेंशियल के अंदर हम जाएंगे तो चार्ट बने हुए आएंगे, हमें कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये बीएससीएस के 80% लोग नौकरियां नहीं करते, अपना बिजनेस करते हैं, तो एक डाटा आ गया। इसी तरह बीबीए का डाटा आ गया, इसी तरह साइकोलॉजी का डाटा आ गया, इसी तरह डीपीटी का डाटा आ गया, इसी तरह आईटी का डाटा आ गया, तो हमारे पास डाटा बना बुन आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन टेक डिसीजन। तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स इसकी कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज वी वांट टू नो द मोस्ट फेवरेट ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट इन लाहौर। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम फेवरेट ब्रांड को देखना चाह रहे हैं कि लाहौर के अंदर फेवरेट ब्रांड कौन सा टूथपेस्ट का। तो मेरे पास ना इतना टाइम है ना इतने पैसे है कि मैं हर बंदे के घर के अंदर जाऊं जाके पूछता रहूं, भाई जान आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे बेहतर है जो मैंने थोड़े बहुत इंटरव्यूज किए होंगे चलते फिरते लोगों से, आपके घर में कौन सा है, आपके घर में कौन सा है, या अपने स्टूडेंट से पूछा होगा। ऑन दैट बेसिस मैं आई ड्रा कंक्लूजन कि लाहौर के अंदर ये ब्रांड फेवरेट ब्रांड है। दोबारा सुनिएगा, एग्जाम्पल क्या, मुझे जानना ये है मोस्ट फेवरेट ब्रांड किसका टूथपेस्ट का लाहौर में कौन सा है। अब आई डोंट हैव एनी टाइम कि मैं जनाब हर घर के अंदर जाऊँ, हर घर के बंदे से पूछूं, ना मेरे पास टाइम है ना पैसा है कि मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करने लगाऊं कि मैं क्या किस बेस के ऊपर ये डिसाइड करूंगा, मैं इस बेस पे डिसाइड करूंगा कि मेरे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है सैंपल के तौर पे, कुछ लोगों का डाटा, मेरे स्टूडेंट का डाटा, क्लास में बैठे मैं उनसे पूछ लूंगा, मैं 25-30 क्लासे ले रहा हूँ सबके स्टूडेंट से पूछ लिया। ऑन दैट बेसिस आई विल एबल टू ड्रा कंक्लूजन कि लाहौर के अंदर फेवरेट ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट है। तो क्यों, क्योंकि मुझे सैंपलिंग टेस्टिंग करनी है, मुझे पॉपुलेशन की टेस्टिंग नहीं करनी। पॉपुलेशन की टेस्टिंग करना, पॉपुलेशन कहते हैं कि लाहौर के हर बंदे को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, तो मैं सिलेक्टेड लोगों को स्टडी। आगे चलते हैं जी, अब डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल के अंदर क्या क्या फर्क है, मैंने चार्ट बना के आपको समझाने की कोशिश की है। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की, जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की, तो हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन को जो हमने पढ़ी, हम स्टडी करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स को, हम स्टडी करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को जो मैंने आपको बताया, हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइजेस को, हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ डेटा को। लेकिन जब हम कन्वर्ट करते हैं, ये तो बेसिक चैप्टर थे जो आपने पढ़े अभी, इंडेक्स नंबर इज रिलेटेड विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा, आपने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करके देखा, आपने अरिथमेटिक मीन मोड मीडियन निकाल के देखा, आपने एक्सरसाइज सोल्व करके देखी, तो ये सारी चीजें आपने किसमें कर ली, डिस्क्रिप्टिव में, जो कि डिस्क्राइब कर रही है इन सब चीजों को। अब जब मैंने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो मेरे पास क्या क्या चीजें आएंगी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन रिग्रेशन, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर। तो ये सारे वो टेस्ट है जो कि रिलेटेड विद इन्फ्लुएंशियल है। क्यों, क्योंकि इस बेस के ऊपर आके व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक, तो आई वांट टू टेक डिसीजंस, तो मुझे डिसीजन लेने हैं, मुझे कंक्लूजन ड्रा करना है। तो कंक्लूजन इस बेस पे ड्रा नहीं हो जाता, ये तो डाटा भी इकट्ठा होना है, तो ये डाटा इकट्ठा हो गया, इन्फ्लुएंशियल में डाटा इकट्ठा कर दिया आपने, उसके ऊपर यू हैव टू पुट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, आपने टेस्ट लगाने हैं, आपने इसका कोरिलेशन देखना है कि रिलेशनशिप क्या है, रिग्रेशन देखना है क्या है, सैंपलिंग में देखना है सैंपल साइज कौन सा है, 2 है, 3 है, विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक, तो अब हम इसकी बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे आपके लेवल तक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के, सोल्व कैसे करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लेना है, डेफिनेशन क्या क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है। तो बेसिक फर्क ये है कि ये हमें ड्रा करना है, और इसकी डिस ड्रा करने की बेस पर हमने ये टेस्ट लगाने हैं, ये टेस्ट को हम कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंशियल। अब एक कॉन्सेप्ट आ गया जी, मैंने क्वेश्चन आप रिलेटेड विद योर असाइनमेंट पहले मैंने आपको दिया भी था, क्या कि पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता, अभी हमने पढ़ा। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं तमाम एलिमेंट, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो आइटम हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, वो सबको जब हम स्टडी करते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स को, तो हम कहते हैं जनाब ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन है। लेकिन याद रखिएगा, पॉपुलेशन से पहले वी हैव टू टारगेट पॉपुलेशन। और भाई हम स्टडी किधर करना चाह रहे हैं, मैं डिफेंस के अंदर एओ लेवल की अकेडमी खोलना चाहता हूँ, तो डिफेंस मेरा टारगेट पॉपुलेशन है। तो जब मैं डिफेंस के अंदर जाके
उनसे क्वेश्चन करूंगा, हर बंदे से क्वेश्चन करूंगा, पूछूंगा हर बंदे से डिफेंस के, तो उसको कहेंगे वो कितने लोग डिफेंस में रहते हैं फेज 8 में, फेज 5 में। अगर मैं फेज 8 की बात करता हूँ तो फेज 8 में जितने लोग डीएचए में रहते हैं वो सारा मेरा क्या है, पॉपुलेशन है। अब मैं पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकता, ये मैंने पहले कहा आपको कि इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फ्रॉम स्टडी इज रेफर टू अ सैंपल। तो मुझे पॉपुलेशन से, आबादी से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है। क्लास के अंदर सारे सीआर नहीं होते, क्लास के अंदर सारी जीआर नहीं होती। क्या होता है, उसमें से एक सीआर को सिलेक्ट किया जाता है, 50 की क्लास है, तो यू क्लास क्या है, पॉपुलेशन। सीआर जीआर क्या है, सैंपल। मैं आपके सीआर जीआर की बेस पर आपकी क्लास का डिसीजन कर रहा हूं। अगर आपका सीआर काम करने वाला नहीं है तो आप जितने मर्जी लाइक है पूरी क्लास में, यही कहूंगा नहीं भाई सारे फारग हैं। क्यों, क्योंकि आपका सीआर काम करने वाला ही नहीं है। तो ऑन दैट बेसिस मैंने ये डिस्क्राइब किया कि नहीं भाई ये काम करने वाला नहीं है, तो ये सैंपल ही जो ऐसा रखा है हमने, तो उसकी बेस पर जो पॉपुलेशन का डिसीजन है वो ये होगा। आप अक्सर देख को देखते हैं, देख क्या है, पॉपुलेशन। देख के अंदर चावल जितने हैं वो पॉपुलेशन है। आपको मैं कहता हूँ आप मुझे टेस्ट करके बेटा बताएं टेस्ट कैसा है इस देख का, तो आप क्या पूरे चावल खा जाएंगे देख के? नहीं, आप एक दो पहले पूरी मिक्स करेंगे देख को, ताकि मसाले मिक्स हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, एक दो चम्मच लेंगे, तो वो एक दो चम्मच क्या है, सैंपल। उस सैंपल की बेस पर आपने बता दिया देख पूरी कैसी बनी हुई, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। और उसमें से जब सिलेक्ट करते हैं सैंपल को, कुछ चीजों को निकालते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल। तो मेरा लेक्चर रिलेट आज बेसिक करता था, तो विद इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर मैंने कोशिश किया आपको डिटेल के अंदर जाऊं, डेफिनेशन को समझाना कि डेफिनेशन होती क्या स्टैटिस्टिक की, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इंसान के पैदा होने से मरने तक स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टैटिस्टिक के अंदर फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, स्टैटिस्टिक के अंदर थिंकिंग लेवल क्या होता है। उसके बाद हमने इसको डिस्क्राइब किया दो ब्रांचेस के अंदर कि डिस्क्रिप्टिव और हमें इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक की बात करनी क्यों पड़ी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो हम बेसिक बात करते हैं, हम जो अब चैप्टर पढ़ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन इंडेक्स नंबर, दीज आर रिलेटेड विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जिसको हम सोल्यूशन करेंगे, हम पाई चार्ट बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, वो सारा डिस्क्रिप्टिव है। और जब हम इसके ऊपर ही आपके रिजल्ट के ऊपर टेस्ट को अप्लाई कर देंगे ये वाले, तो हम कहते हैं जनाब ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक है। उसके बाद हमने कहा पॉपुलेशन किसे कहते हैं, पॉपुलेशन हमने कहा एक बड़ी चीज है, हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। अगर हमने कोई एकेडमी खोलनी है या हमने क्लास के अंदर देखना है कौन से अच्छी क्लास है, तो आपके अच्छे बच्चे को सीआर बना दिया जाएगा और जीआर बना दिया जाएगा, ताकि वो आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दे। ऑन दैट बेसिस कोई भी आए तो उनसे बात करके ये लगे ये पूरी क्लास अच्छी होगी या पूरी क्लास बुरी होगी, तो उस बेसिस के ऊपर हम डिसीजन करेंगे। तो मेरा आज का चैप्टर इन सारी चीजों से रिलेट करता था।